हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू। इसे मैं बनाऊंगी मावा के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है और ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है। ये सभी के लिए बहुत हेल्दी है, तो इसे ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली के साथ खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिया हुआ है 100 ग्राम खोया, यानी मावा लिया है मैंने। 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर लेंगे। 2 बड़े चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, सूखा हुआ नारियल जिसे हमने ग्रेट करके लिया है। छुहारा लेंगे, ड्राइड डेट्स है, जो ड्राइड एप्रिकॉट है, इसे हम खुमानी भी बोलते हैं। और यहाँ हम ले रहे हैं किशमिश, पॉपी सीड्स लेंगे, खसखस, बादाम और काजू लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें और कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या और भी ड्राई फ्रूट्स आपको ऐड करना हो तो भी आप कर सकते हैं। तो इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आज हम ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाएँ। सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ हमें लेना है खुमानी, एप्रिकॉट ड्राइड वाला, काजू, बादाम, छुहारा, ड्राई डेट्स और किशमिश। इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पैन गरम करना है। यहाँ मैं ऐड करूँगी घी। इसके बाद यहाँ मैं ऐड करूँगी गुड़। गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, हमें इसे लो फ्लेम पे ही कुक करना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हमने गुड़ डालने के बाद इसे अच्छे से कुक किया। अब हम इसमें डालेंगे खोया, यानी मावा हम डाल रहे हैं इसमें। मिक्स करेंगे अच्छे से। खोया डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे पॉपी सीड्स, यानी खसखस, डेसिकेटेड कोकोनट, किसा हुआ नारियल, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे हम इलायची पाउडर, मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है, ये हल्का गर्म है, अब इससे हम लड्डू बना लेंगे। तो हाथ में थोड़ा सा मैं घी लगा लूँगी। और इसके छोटे छोटे पोर्शन लेके इसके लड्डू बनाएंगे। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हमारे रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इसे मैं गार्निश करूंगी ग्रेटेड कोकोनट से।
ड्राई फ्रूट्स के हेल्दी लड्डू रेडी हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही आसान है बनाना अपने फैमिली अपने बच्चों के लिए, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।